अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम, गूगल क्लासरूम लेक्चर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज का जो पहला लेक्चर है उससे हम आज के अपने दरसी तदरीस का आगाज़ करेंगे, जो कि पहले जो हिस्सा है हमारा वो अफसानों का है। तो हम आज पहला अफसाना पढ़ेंगे। अफसाने का नाम है नया कानून और इसके मुसन्निफ़ सआदत हसन मंटू हैं। तो हम पहले ये जानते हैं कि अफसाना किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी कहानी जो फ़र्जी हो, मुख्तसर हो, वाक़ियात और हकायक से ताल्लुक़ रखती हो उसे अफसाना कहा जाता है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि तारुफ़ मुसन्निफ़ जो है वो हम पढ़ेंगे और मरकज़ी ख्याल समझेंगे, साथ साथ हम आखिर में अपने अफसाने का ख़ुलासा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तारुफ़ मुसन्निफ़। तो हमारा जो अफसाना है उसके मुसन्निफ़ सआदत हसन मंटू हैं। मंटू का शुमार उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में होता है। उनके मौजूआत नफ्सियात, इंसानी फितरत और मुआशरे के दुखी इंसान हैं। उनके किरदार जिस ज़ुबान में बात करते हैं वो सिर्फ़ मंटू ही कलम बंद कर सकते हैं। उनकी तहरीरों से ये पता चलता है कि शायद सीधे सादे अल्फाज में तहरीर कलम बंद की गई हो। मंटू का शुमार उन अफसाना निगारों में होता है जिन्होंने ज़िंदगी के तमाम तर मौजूआत को अफसानों में शामिल किया है। उन्होंने अफसानों को नई जहत से आशना किया और अफसाना निगारी का मेयार भी बुलंद किया, और उनकी सलाहियतों से इनकार मुमकिन नहीं है। और वो ऐसे अफसाना निगार हैं जिनका चर्चा उनकी ज़िंदगी में भी रहा और उनके इंतकाल के बाद भी है। ये हमारे मुसन्निफ़ का तारुफ़ था। अब मैं आपको इसका मरकज़ी ख्याल बताता हूँ। सआदत हसन मंटू का अफसाना नया कानून इनकी किताब मंटू के अफसाने से लिया गया है। जदीद आयन इंडिया एक्ट 1935 यकम अप्रैल से नाफिजुल अमल था। हिंदुस्तान में ये कानून आज़ादी हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत हिंदुस्तान के सूबों को खुद मुख्तियारी दी जानी थी। लेकिन इस अफसाने का मरकज़ी किरदार मंगू कोचवान ये समझता है कि शायद इस नए कानून से हालात बदल जाएंगे, हर चीज़ नई हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर अवाम जो हैं खुशहाल होंगे और उन्हें आज़ादी मिलेगी, अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएँगे और हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। इसी इसना में वो 1 अप्रैल को एक अंग्रेज़ अफसर से झगड़ा करता है, उसकी पिटाई करता है और जेल में चला जाता है। मुसन्निफ़ सआदत हसन मंटू की नज़र में मंगू का किरदार बहुत ही बड़ा है। वो इसे हुर्रियत आज़ादी का जियाला, सिपाही और मतवाला जानते हैं और आम हिंदुस्तानी की तरह उसके दिल के जज्बात भी यही थे कि हमें आज़ादी मिल जाए, अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं और हमें उनकी ग़ुलामी से निजात हासिल हो। तो ये इस अफसाने का मरकज़ी ख्याल है। अब आखिर में हम इस सबक का ख़ुलासा पढ़ते हैं। सआदत हसन मंटू के अफसाने का मरकज़ी किरदार मंगू कोचवान है। मंगू कोचवान अगरचे एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मगर अपनी वसी मालूमात की बिना पर अपने हल्का एबाब में बड़ी शोहरत का हामिल है और उस्ताद मंगू के नाम से मशहूर था। वो अपनी सवारियों की गुफ्तगू बड़े ध्यान से सुनता और उनकी बातों से जो कुछ अक्स करता उसे दूसरों को बयान करता। उसे अंग्रेज़ों से भी शदीद नफ़रत थी। वो इन्हें सफ़ेद चूहे कहता था। वो इनकी सफ़ेद और सुर्ख रंगत से बड़ी नफ़रत रखता था। वो ये चाहता था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। एक रोज़ वो अपने तांगे में सवारियां कचहरी से लेकर जा रहा था। उसकी सवारियों की गुफ्तगू से उसने अंदाज़ा लगाया कि 1 अप्रैल से एक नया कानून आने वाला है जिससे अवाम खुशहाल हो जाएगी। उसने ये बात अपने दोस्तों को जाकर सुनाई। अगले रोज़ उसके तांगे में दो बैरिस्टर सवार होते हैं। उनकी गुफ्तगू से उसे ये महसूस होता है कि शायद वो इस नए कानून की मुखालफत कर रहे हों। मंगू को ये बात बड़ी बुरी लगती है। वो दिल ही दिल में इनको बुरा भला कहता है और एक गाली देता है, टूडी बच्चा। फिर अगले रोज़ उसके तांगे में तीन तलबा सवार होते हैं जो कि इस कानून की पुरजोश और पुर उम्मीद नज़र आते हैं कि ये कानून बहुत ही अच्छा होगा।
तो इससे मंगू के दिल में भी एक चमक पैदा, मंगू की आंखों में भी एक चमक पैदा होती है और वो बेचैनी से 1 अप्रैल का इंतज़ार करने लगता है कि हिंदुस्तान की आवाम को आज़ादी और निजात मिलेगी और हम आज़ाद हो जाएंगे, अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे। वो बड़ी बेचैनी से 1 अप्रैल की सुबह देखना चाहता है और इसी की यादों में गुम रहने लगता है। आखिरकार 1 अप्रैल का दिन आ जाता है, वो अपने तांगे को सजाता है, उसे गलियों बाज़ारों कूचों में दौड़ाता है, लेकिन उसे कोई नई तब्दीली नज़र नहीं आती है। वो अपने जहन में एक नए इनकलाब का तसव्वुर लिए हुए था, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता कचहरी से वापस शहर की तरफ सवारी की तलाश में जा रहा था। एक अंग्रेज़ अफसर उसे आवाज़ देता है और मंगू उसकी तरफ जाता है। ये वही अंग्रेज़ अफसर था जिससे पहले भी इसकी तकरार हो चुकी थी। मंगू बड़े हत्ता कम इस लेजे में उससे कहता है, कहाँ जाना है साहब बहादुर? इसके साथ ही वो जो अंग्रेज़ अफसर है वो भी मंगू को पहचान लेता है और वो इस बात पर कि मंगू कोई किराए पर बहस या सवाल ना करे कहता है, किराए पर बहस तो नहीं करोगे? जो बात मंगू को बड़ी नागवार गुजरती है और उसके दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नफ़रत थी और भड़क जाती है। वो उससे कहता है कि आज किराया 3 रुपये नहीं बल्कि 5 रुपये होगा, जिस पर वो अंग्रेज़ अफसर सख्त नाराज़ होता है, उसकी रान पर छड़ी मारता है और उसे नीचे उतरने को कहता है। जैसे ही मंगू नीचे आता है उसके जज्बात बेकाबू हो जाते हैं और वो उसकी पिटाई, अंग्रेज़ अफसर की पिटाई कर देता है। वो उसे मारता जाता है और कहता है कि पहली 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूँ, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूँ, अब हमारा राज है बच्चा। इसी इसनाम में वहाँ पे पुलिस आ जाती है, मंगू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। वो जेल में सलाखों के पीछे भी यही शोर करता रहता है, नया कानून नया कानून, मगर उसकी कोई भी नहीं सुनता। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमारे इस अफसाने का ख़ुलासा था। इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, इस लेक्चर को बेहतर तौर पर समझने के लिए आप इसे बार बार देखें और समझें, और इसके बाद हम दूसरा अफसाना जो है हमारा किताब का, उसके साथ हम दूसरे लेक्चर में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।